एक्टिंग तो बढ़िया थी, वो श्रद्धा कपूर का रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक ही थी। मतलब एक बार आना है तो आ जाओ, टाइम पास करना हो तो। कॉमेडी के लिए देखी, कॉमेडी बहुत पसंद आया। हाँ, जो पेरेंट्स को छोड़ के शादी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। मखारे रहना पसंद करोगे ना? मुझे तो लगा काफी कॉन्टेक्चुअल मूवी है कि रणबीर अपने हिसाब से बता रहे हैं कि देखो ये अच्छी बात है तो बीइंग इन ए जॉइंट फैमिली। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट कोई भी मूवी रिलीज होगी तो में ये होनी चाहिए। ओके, ये जो बॉन्ड है बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत बढ़िया थी। कैसे लगी थी? एंडिंग अच्छी नहीं थी। स्टोरी वाइज कैसी फिल्म है? ठीक ही थी, वो लड़की बहुत गंदी थी। रणबीर एंड श्रद्धा का काम कैसा लगा? एक्टिंग तो बढ़िया थी, वो श्रद्धा कपूर का रोल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिल्म देखने के बाद झूठ की तरफ रहना पसंद करोगे, मक्कारी की तरफ रहना? मक्कार। वन वर्ड फॉर TJMM क्या कह रहे हैं? ठीक ही थी, मतलब एक बार आना है तो आ जाओ, टाइम पास करना हो तो। पांच में से कितने सर? ढाई। मक्कारी की तरफ हम बस टाइम पास करने आए थे, हम हमारा कुछ काम नहीं था, 3 बजे का शो था तो आ गए थे। थैंक यू सो मच। ये वाली बहुत अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, लाइक टुडेज जनरेशन के लिए बहुत अच्छी थी। लाइक जो ऑफकोर्स एंटरटेनिंग तो है, बट मेन इसका ये है कि जो हाँ जो पेरेंट्स को छोड़ के शादी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आपको अपील हुई? हाँ, आपको अपील हुई फिल्म? मेरे को अच्छी लगी। स्टोरी वाइज किसी एंड इवन रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी कैसी लगी बड़े पर्दे पे? नहीं, रणबीर और आलिया की जोड़ी अच्छी है, श्रद्धा की नहीं। पिक्चर देखने का झूठ की तरफ रहना पसंद करोगे, मक्कारी की तरफ रहना पसंद करोगे? मक्कार। हाउ मेनी स्टार यू गॉट? 5। थैंक यू। कैसी लगी? अच्छा, कैसी लगी? इट वाज गुड। अच्छा मूवी था। स्टोरी वाइज कैसी फिल्म है? नहीं, काफी सही था। फिल्म देखने के बाद झूठ की तरफ रहना पसंद करोगे, मखारे की तरफ रहना पसंद करोगे? मखारे ही रहना पसंद करोगे ना? रणबीर श्रद्धा की कैसी केमिस्ट्री लग रही है? नहीं, अच्छी थी यार, मुझे तो लगा काफी कॉन्टेक्चुअल मूवी है कि रणबीर अपने हिसाब से बता रहे हैं कि देखो ये अच्छी बात है तो बीइंग इन ए जॉइंट फैमिली। मैं तो 5 में से 6 दे दूंगा यार, अच्छी थी, काफी हंसने का मौका। थैंक यू सर। तू शूटिंग में मक्कार फिल्म देखी है, कैसी लगी? अच्छी मूवी है। स्टोरी वाइज कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है? 50-50। अच्छा। डिपेंड करता है सामने वाले क्यों, किनको मसाला वाली फिल्म पसंद है, किनको हॉरर पसंद है, किसको लाइक स्टोरी पसंद होती है। तो अच्छी मूवी मतलब। ओके। और गाने बेस्ट है। गाने बेस्ट है, क्या बात है। मतलब अरिजीत और प्रीतम ने तड़का लगा दिया बहुत ज़्यादा, मेरा भी मन कर रहा था मैं नाचूं। क्या बात है। जिस तरीके से देखा गया कि रणबीर एंड श्रद्धा फर्स्ट टाइम बड़े पर्दे पे आए, जोड़ी कैसी लग रही है, दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट कोई भी मूवी रिलीज होगी तो में ये होनी चाहिए। ओके, ये जो बॉन्ड है बहुत अच्छा बॉन्ड है। फिल्म देखने के बाद झूठ की तरफ रहना पसंद करोगे, मक्कारी की तरफ रहना पसंद करोगे? दोनों। अ लाइफ स्कैम, क्या बात है। स्टोरी वाइज एंगेजिंग फिल्म में लोगों को बिठा के रखती है, क्या बोर फील कराती है? नहीं, बच्चे बड़े कॉलेज स्टूडेंट कपल सबके लिए। मैं तो बोलूंगा कि जो एज वाले कपल होते लाइक 60 अंकल आंटी, उनके लिए भी फिल्म है। क्या बात, मतलब फैमिली फिल्म है। जिस तरीके से फैमिली वैल्यूज बताए, रिलेशनशिप वैल्यूज बताए, आपको कहाँ तक अपील हुए सब? अच्छा ही है। ओके चलो ठीक है, जाते थे। 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? 4.5। रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर को क्या कहना रहेगा इस वीडियो के माध्यम से? बहुत अच्छा काम किया है, एक्टिंग अच्छी है, एंड आई लव श्रद्धा।